इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत रसायन में हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग अस्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तन में हो। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देख सकते हैं? बैटरी में, शरीर, हमारे शरीर में भी, मस्तिष्क से संवेदी कोशिका एवं संवेदी कोशिका से मस्तिष्क तक जो संवेदनाओं का संचरण होता है उसमें भी ये विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग हम देखें कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग ऐसी धातुओं के निष्कर्षण में होता है जो अत्यधिक सक्रिय होती हैं, जैसे सोडियम एवं अन्य तत्व जैसे क्लोरीन एवं फ्लोरीन के निष्कर्षण में भी। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया अल्प प्रदूषक होती हैं एवं ऐसे तकनीकों के आविष्कार के लिए भी आवश्यक हैं जो पर्यावरण हितैषी हैं। अतः विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन अति महत्वपूर्ण विषय है। विद्युत रसायन में हम चलिए आगे विद्युत रासायनिक सेलों का अध्ययन करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्तियां हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। ये जो विद्युत रासायनिक सेल हैं वो रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित हैं। बच्चों, आपको याद होगा कक्षा 11वीं में हमने रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। रिडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन, रिडक्शन क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जो रिडॉक्स अभिक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल कहलाते हैं। इनकी क्रियाविधि को हम डेनियल सेल, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, की क्रियाविधि से समझेंगे। चलिए डेनियल सेल की संरचना समझते हैं। एक बीकर लेते हैं, इसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया। अब इस विलयन में हम जिंक का रॉड डुबा देंगे। दूसरा बीकर लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट विलयन डालते हैं। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम एक कॉपर रॉड को डुबा देंगे। अब जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड को की एवं वोल्ट मीटर लगे हुए एक धातु के तार से जोड़ देते हैं। दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ देंगे। लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट विलयन तथा अगर अगर जेली से भरी हुई एक यू आकार की ट्यूब होती है। ऐसी व्यवस्था कर लेने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। डेनियल सेल में निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। जिंक धातु जिंक आयन में एवं कॉपर आयन कॉपर धातु में परिवर्तित होगा, अर्थात जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीकरण एवं कॉपर आयन का कॉपर धातु में अपचयन हो रहा है। ये अभिक्रियाएं डेनियल सेल के दो भिन्न भिन्न भागों में होती हैं। अपचयन अर्धविक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर, जबकि ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है इसीलिए इसे अपचयन अर्धसेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसे ऑक्सीकरण अर्धसेल भी कहा जाता है। अब हम डेनियल सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। डेनियल सेल की वह अर्धसेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है और दूसरी अर्धसेल जिसमें अपचयन होता है कैथोड कहलाती है। एनोड डेनियल सेल का ऋण ध्रुव है जबकि कैथोड क्या है? धन ध्रुव। क्यों? क्योंकि कैथोड पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं।
जिंक एनोड पर जिंक धातु दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन में परिवर्तित हो रही है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड पर विलयन में से जो कॉपर आयन है वह जिंक इलेक्ट्रोड से आए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कॉपर धातु में अपचयित हो रही है। एनोड बायां इलेक्ट्रोड है जबकि कैथोड दायां इलेक्ट्रोड है। डेनियल सेल में हम धारा के प्रवाह को समझेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें ऑक्सीकरण होता है ना। यहाँ पर जो है जिंक धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जिंक आयन में परिवर्तित होकर विलयन में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलयन में धन आयन की अधिकता हो जाएगी, विलयन के सापेक्ष जिंक रॉड ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पर विलयन से जो कॉपर आयन हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कॉपर धातु में अपचयित हो रहे हैं, अर्थात विलयन में धन आयन की कमी हो रही है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है धनात्मक हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों में विभवांतर उत्पन्न हो गया और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होने लगेगा। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होगा। इस तरह से डेनियल सेल में धारा प्रवाहित होने लगती है। डेनियल सेल को हम संकेतों के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किस तरह से, इसमें धातु एवं विद्युत अपघट्य के मध्य एक खड़ी रेखा खींचकर एवं दोनों विद्युत अपघट्यों को दो ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि लवण सेतु को प्रदर्शित करता है खींचकर लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखें जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, एनोड है। एनोड को बाईं तरफ लिखा जाता है। इसमें जिंक हमारा धातु और जिंक सल्फेट विलयन है, दोनों को एक ऊर्ध्वाधर रेखा से हमने क्या किया, अलग किया। फिर हमने दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, है ना, जो लवण सेतु को प्रदर्शित करता है और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट विलयन को जो पृथक कर रहा है। दाईं ओर हमने लिखा है पहले कॉपर सल्फेट और फिर धातु कॉपर को एक खड़ी रेखा से हमने इसको अलग किया है। एनोड को हम बाईं तरफ लिखते हैं, कैथोड को दाईं तरफ लिखते हैं।